वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देवराज हमेशा की तरह अपनी लविंग वाइफ के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एंजॉय दिल से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है कुछ डिफरेंट और कुछ खास, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ, वो भी दिल से। सभी को जो भी महिलाएं हैं, जो गृहणियां हैं और जो मेरी प्यारी बहनें हैं, उनको जरूर लगेगा ये बहुत ही खास। जी हाँ, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा एंड तक, वो भी दिल से। एंजॉय चले और करे एंजॉय दिल से। अरे आप अभी तक बैठे हो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार, आप अभी तक मीशो में लगे हो? मीशो कोई खाली ऐप है? मीशो का मतलब है मेरा शो। और अभी आने वाले नवरात्रे और नवरात्रे के 9 दिन की ड्रेसेस, और फिर उसके बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद होली, फिर उसके बाद दीपावली, उसके बाद भैया दूज। मुझे कम से कम 8-10 ड्रेस लगेंगी। तुम्हारी जेब खाली तो क्या, मेरे बेटे के पास बहुत है और वो दिला रहा है और गुड़िया दिला रही है। करवा चौथ की ड्रेस कौन दिलाएगा, आप दिलाओगे ना? तो मैं चलूं ऑफिस, पहले ये कमिटमेंट करना है। करवा चौथ की करवा चौथ की ड्रेस दिला रहे हैं मिस्टर राजपूत, और होली की ड्रेस दिला दी है बेटे ने, और दिवाली की शीरो दिलाएगा, और भैया दूज की गुड़िया, और नवरात्रे के मैं खुद ले लूंगी। और इसी तरीके से आप लोग भी देखिए, इधर देखिए, मीशो ऐप बहुत अच्छी है। मीशो ऐप के बारे में क्या बताओगे? मीशो ऐप का लिंक मैं डाल दूंगा दोस्तों। और मेरी ड्रेस अच्छा, ये बताओ मेरी ड्रेस कैसी निकलती है? बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब, बेहतरीन, और बेहतरीन। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत खूबसूरत साड़ियां। और ये हो गए बोर, लेकिन मेरी सभी सिस्टर नहीं होंगी बोर। मीशो इतना खूबसूरत ऐप है, प्लीज कीजिए उसे, बताइए ना भाई। आप चारों धाम घर वाली। मैं आया काम से लौट कर और बेगम साहिबा लगी है फिर से और दिल से फोन में, तो चल कर देखते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है। नो, क्या चल रहा है फिर से? मीशो मीशो नहीं, साड़ी मीशो भी है, साड़ी भी। तो भाई कौन सी पसंद है? मुझे तो साड़ी पसंद है भाई, पर मेरी सैलरी आने में अभी टाइम है। तो ये कैश ऑन कैश ऑन डिलीवरी होता है? कैश ऑन डिलीवरी तब तक आ गई सब, और उससे पहले अगर आ गई तो मेरे बच्चे जिंदा बंद। वो तो भाई कमाल है। पहले ये बताओ लेनी कौन सी? आपको जो पसंद हो वो ले लीजिएगा, लेकिन मेरी सैलरी आने के बाद। बाकी आपको आप जो जाने, पसंद हो या मेरे पे जो जचे, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, और जो आप पे सब साड़ियां सूट करती हैं, सब कलर सूट करते हैं, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है, पर मेरी सैलरी आने तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नहीं नहीं प्लीज, अभी इसमें चल रहा है ऑफर। तो बेगम साहिबा, मैं सुबह भी हाथ जोड़ कर गया था, तो ऐसा करना मैं ले लेती हूँ, आप मुझे दे देना, ठीक है? यानी आपके पास पैसे हैं? हाँ। तो है तो फिर क्या दिक्कत है? लो भाई, वो आपको देने पड़ेंगे ना। पर हर बार मुझे फंसाया जाएगा क्या? कमिटमेंट भी तो कोई चीज होती है। चलो मैंने कमिटमेंट कर दी आपको। और तो ये साड़ी कैसी है? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है, तो आप ही देख लीजिए कितनी खूबसूरत साड़ी ऑन मीशो। तो दोस्तों अभी तो मीशो का जाल मैं पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ, और वो भी। और ये साड़ी कैसी है आप लोग बताइए, कैसी है? सच में हाँ कर दीजिए भाई, और आप भी बसने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अब मीशो का क्रेज आपके घर तक पहुंच रहा है दोस्तों। जी, जी। और बहुत ही दोस्तों किफायती रेट पे मिलते हैं दोस्तों, आप ही लीजिएगा। और मैंने सिलेक्ट की हैं कुछ चुनिंदा साड़ियां। आ जाओ बैठ जाओ, आपका भी घर है। नहीं, हम देख रहे हैं मीशो का खेल चल रहा है भाई, बैठ जाओ। नहीं आ जाओ, हमारा तो खेल चल रहा है भाई। तो एक साड़ी की देखनी बात है। तो भाई हम तो वही कहेंगे ना कि हमारी सैलरी आने तक वेट कीजिए ना, और अगर आपके पास पैसे हैं तो भैया थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए हमें, तो उधार मिलेगा तो हम तो कह देंगे भाई ले लो।
और हाँ, दे देंगे तो मैं दे देती हूँ क्रेडिट और घर में से ऑर्डर हो जाएगा, और जब तक आपकी सैलरी आएगी तब तक मेरी साड़ियाँ भी आ जाएंगी ठीक है, क्योंकि तो साड़ियों को तैयार करने में भी टाइम लगता है, है ना रूबी? अगर है ना रूबी सिस्टर, और मैं स्पेशल ब्लाउज बनवाती हूँ अपने रूबी सिस्टर से जो भी है शेक इट अप, और वो बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बनाती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी। साड़ी तभी जचती है, इतना उदास होकर बैठने की क्या जरूरत है, साड़ी उदास का है तो बाकी सब तो खुश है। मतलब आज का दिन आपने सोच रखा है कि आज क्लास लगानी है हमारी, साड़ी तभी जचती है क्लास लग रही है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्लास लग रही है। और मैं अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आने वाले त्योहार तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, झगड़ा और ये सब, मैं खुश रहना चाहती हूँ, घर में करनी है साफ सफाई। आज किचन में जाने का मूड है कि नहीं है भाई, हमें भूख लगी है भाई सुबह से। आज बनेगा, हमारे यहाँ फली पहले तैयार हो चुकी है, मैंने उसकी तैयारी कर ली है, वो बनाऊंगी मैं अभी। अच्छा, गवार की फली? जी गवार की फली, वो शायद कभी स्कूल नहीं गई है ना, तो चलते हैं फिर और बनाते हैं गवार की फली। और आपको सीधा खिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी सी रेसिपी है दोस्तों, तो उसके लिए ज्यादा झोल झाल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज 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 डाउनलोड मीशो, और डाउनलोड करने के बाद बताइएगा कि आपने मीशो को डाउनलोड किया कि नहीं किया। और मैं सुन नहीं रही हूँ क्या कह रहे हैं मिस्टर राजपूत, बस मैं क्या सुन रही हूँ, मीशो मीशो मेरे कान में सुनाई दे रहा है। तो आप कीजिए बातें और मैं चलता हूँ बेगम साहिबा, और थोड़ा सा चेंज कर लूँ थोड़ा सा, और फिर मिलते हैं दोस्तों वो भी ब्रेक के बाद, दिल से के बाद, दिल से नहीं। Ooh, yeah. तो आज भाई हमारे घर में कुछ खास बना है, खास क्या है वो है गवार की फली, और खास इसलिए भी है क्योंकि इसको बनाने में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत। मेहनत मेहनत मतलब एक एक फली को तोड़ना दोनों साइड से, मैंने देखा आपको, मैंने देखा कल, और जी सिर्फ 250 ग्राम को तोड़ने के लिए भी एक घंटा लग जाता है, बारीक बारीक काटना दोनों साइड से, तोड़ना छीलना, और बहुत ही लाजवाब बनी है यार ये, मेरी गुड़िया को बहुत पसंद है, और जितनी भी मेहनत लगे मैं उसके लिए बनाती हूँ हमेशा, वो भी, और अमन को भी पसंद है, गुड़िया को भी पसंद है, और आपको बहुत पसंद है, और ये पसंद इसलिए होती है क्योंकि इसके साथ हमेशा बनती है देसी घी के साथ रोटी, तो ये लगती है अच्छी, और चटनी अगर हो लहसुन की मजा आ जाए, तो ये राजस्थानी खाना हमारे अपने तो स्टाइल आप में भी कीजिए हमारे साथ एंजॉय, वो भी दिल से। मुझे यार बड़ा आनंद आ रहा है सच में, आज 4 से 5 रोटी तो मैंने खानी खानी है, 4-5 नहीं है, दोबारा भी बनवाएंगे रात को रोटियां, और मैं गरम गरम बनाती हूँ जी हाँ, अभी खा रहे हैं, थोड़ी देर में शीरों को घुमा के लाएंगे, फिर कहेंगे ये उनका रोज का रूटीन है, तो ये पसंद है सब, आप भी आ जाइए जी, जिसको खानी है आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए दिल से। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी फैमिली में, वो भी दिल से, और डाउनलोड कर रहे होंगे मीशो, जी जी, और मीशो डाउनलोड भी कीजिए और खुश रहिए, आने वाले त्योहारों की कीजिए तैयारियां, आने वाले बहुत सारे त्योहार, तो इंडिया में तो बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, अभी आने वाले नवरात्रे, 9 दिन हम अलग अलग ड्रेसेस पहनेंगे, है ना, पूजा करेंगे और घर में बनेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात आपसे करना चाहूंगा, बहुत सारे त्योहार हैं, आपने हमारी जो लास्ट वाली वीडियो है उस पर बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद दिल से, दिल से। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी वीडियो को प्यार दीजिएगा, और दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वो भी दिल से, दिल से। और आने वाले त्योहारों के लिए कहाँ करेंगे शॉपिंग, और दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग जो है उसकी चल रही है तैयारियां, और वो ट्रैवलिंग व्लॉग है, है ना? वो होगा दोस्तों बहुत जबरदस्त व्लॉग, वो भी दिल से, क्योंकि अभी हमें समय नहीं मिला आज बिल्कुल भी, और अभी करनी है बहुत सारी सफाई, किसे करनी है सफाई बहुत सारी भाई, कौन करेगा अभिमन्यु
चक्रव्यूह में फंस गया है। मैंने अभी सुबह ही बताया, अमन से भी बात की है और अमन के पापा को भी बताया। अमन मॉम एंड ब्यूटी मुझे फोन बोलता है, बाबर भाई बोलते हैं। हाँ, वो फोन करते हैं और बताते हैं। तो मैंने सुबह ही अमन से बात की है कि अमन कुछ सामान मंगाना है सफाई के लिए, पेंटिंग के लिए, और तो उसने पूछा कौन करेगा या करवाएगा। उसने तो ये पूछा था कौन करवाएगा जी, तो क्योंकि मेरे को तभी अच्छा लगता है घर में पूजा पाठ हो, व्हाइट वॉश हो। हम पहले करते थे, अभी अपार्टमेंट में भाई देखो, सीधी सी बात है। अपार्टमेंट में आए हैं तब से ये पेंटिंग का काम दो दो साल का भी होने लगा। सीधी सी बात है कि बेगम को करेंगे इनकार, लेकिन फिर भी प्यार से करेंगे इनकी बात का स्वागत और काम करके दिखाएंगे दोस्तों, वो भी दिल से। तो दोस्तों अब लेते आपसे इजाजत, क्योंकि बेगम साहिबा BMW की तरह दोस्तों जब बोलना शुरू कर, आप लोगों को समझ आया तो बताइए। मेरे को समझ नहीं आया अभी, तो मैं थोड़ी देर बाद समझूंगी क्या कहा इन्होंने। वैसे करते हैं इनकार लेकिन बीवी से करते हैं प्यार, इसलिए करते हैं स्वीकार और करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भाई, हाँ, कर ही लेंगे। तो दोस्तों बॉब द बिल्डर, ये अभिमन्यु फंस चुका है चक्कर में। चक्कर नहीं है ये हमारी परंपराएं हैं, घर की सफाई और बड़े बड़े काम करना यहाँ आदमियों का काम होता है ना। और भाई आपने बोला तो मान लिया। हाँ, भाई मैंने ऐसे देखा बचपन से। और किचन संभालना, पीएम के बाद जीएम की बात मानना चाहिए, वो भी दिल से। और इसी तरीके से दोस्तों करते रहेंगे प्यार और इसी तरीके से आपके तो सामने। आप लोग भी क्या इंतजार कर रहे हो, शुरू कर दीजिए अपने घरों में ऑर्डर देना शुरू कर दीजिए। ये सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सफेदी, पेंटिंग, कपड़े, आप ले लेते हैं इजाजत और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंजॉय दिल से।